वॉकआउट इसलिए क्या की, रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन पूछे। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। एथिक्स कमेटी की मीटिंग में हंगामे और बहस के बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। मीटिंग से बाहर आने के बाद बुरी तरह फायर हुई महुआ मोइत्रा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी मुझसे गंदे सवाल पूछ रही थी। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में रिपोर्टर्स को अपनी आंखें दिखाते हुए पूछा कि क्या आपको मेरी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। महुआ ने पैनल के अध्यक्ष पर टीएमसी सांसद से व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। बैठक से बाहर आए बसपा सांसद दानिश अली ने दावा किया कि मीटिंग में महुआ मोइत्रा से सवाल किया गया कि वे रात में किससे बात करती हैं। दानिश अली ने कहा कि हमने वॉकआउट इसीलिए किया कि रात में किससे बात करती हो, क्या बात करती हो, क्या ये सब चेयरमैन पूछेंगे। सर वॉकआउट इसलिए क्या की, रात में किससे बात करती हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन पूछेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और विपक्षी सांसद आग बबूला होकर एथिक्स कमेटी की बैठक से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सभी काफी नाराज नजर आए और महुआ मोइत्रा कैमरे के सामने भड़कते हुए नजर आई। विपक्षी सांसदों में बसपा के दानिश अली भी थे। महुआ मोइत्रा ने बताया कि वे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू है, क्या मेरी आंखों में आंसू है, आपको आंसू दिख रहे हैं। वहीं जब एक पत्रकार ने पूछा कि वे बैठक से क्यों आ गए तो एक अन्य विपक्षी सांसद ने कहा बहुत ज्यादा हो गया। तो वहीं लोकसभा की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने दावा किया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बैठक से बाहर निकलने से पहले उनके और पैनल के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। विनोद सोनकर ने कहा कि कमेटी का मकसद महुआ मोइत्रा के अनैतिक आचरण के आरोपों की जांच करना था। सहयोग करने के बजाय महुआ मोइत्रा ने गुस्से में आकर पैनल और उसके अध्यक्ष के खिलाफ बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। दानिश अली, गिरधारी यादव सहित विपक्षी सांसद आदि के अनैतिक रूप से और बहुत गुस्से में समिति के खिलाफ कुछ आरोप लगाए। विदर्शन हीरा नंदानी के आरोपों पर सवालों का जवाब देने से बचने के लिए पैनल की बैठक से बाहर चले गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।